तो चलिए आज बनाते हैं कड़ी पत्ते की चटाकेदार एक ड्राई चटनी, जिसे आप मिनट में बना के रेडी करेंगे और आप लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया था फैन के नीचे ही, और ये अच्छे से वॉश हो गए हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। हमें ड्राई लीफ ही लेने हैं, या तो आप किचन टावल में पोंछ के रख लीजिए, या फिर मेरी तरह आप अच्छे से वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दीजिए और फैन के नीचे रख दीजिए, एक दो घंटे में बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके सारी लीफ निकाल लेनी है उसकी स्टेम से। तो ये सारी लीफ मैंने निकाल ली हैं, आप इससे ज़्यादा भी कड़ी पत्ता ले सकते हैं। मैं अगर इसे ज़्यादा लेती तो शायद प्लांट ही पूरा खाली हो जाता, तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट निकाल ली थी। मेरे पास दो तीन प्लांट हैं, तो मैंने आप इससे भी ज़्यादा लेकर इसे बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगी। तो पैन में रख लिया है मैंने एक चम्मच ऑयल, और इसे अच्छे से पैन पर पूरा फैला लीजिए और अच्छे से हीट हो जाए। तो उसके बाद इन कड़ी लीव्स को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये चटकेंगे नहीं जैसे, क्योंकि ड्राई हैं, इनमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो अच्छे से इन्हें पलटते पलटते हुए सेक लीजिए। 4 से 5 मिनट में ही ये आपकी सीख जाएंगी। ये देखिए ये आपस में खट्टी होने लग जाती है, तो इस तरीके से आपको फैलाते हुए इसे सेकना है। थोड़ी ही देर में ये अच्छे से सीख जाती हैं, बस चलाते रहिए, नहीं तो ये थोड़ी सी जल जाएंगी। तो अच्छे से चलाते रहिए, चलाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये अच्छे से भून चुकी है। आप कोई भी लीफ को उठा के देखेंगे तो वो क्रश होने लगेगी, अपने आप ही मतलब टूटने लगेगी, जैसे अभी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगी तो ये क्रश होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको चलाना है और सारे ही लीव्स को बढ़िया तरीके से भून लेना है। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लिया है सारा ऑयल। ये देखिए बिल्कुल पैन में ऑयल नहीं है, और अच्छे तरीके से इसको चलाते रहिए, बस अच्छे से ये सीख जाए। उसके बाद ये चटनी आपकी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। ये है ड्राई चटनी कड़ी लीव्स की, और ये देखिए कुछ इस तरीके से, अभी तो बहुत गर्म है, बिल्कुल क्रश हो जाएगा। बस ये देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रश हो जाएगी। तो अब मैंने एक दो बार इसे और चला लिया, अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में जो कि ये ठंडा हो जाए। अब इसी पैन में एक चम्मच ऑयल और ऐड करके, ये देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी ब्रांड का ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए। और यहाँ मैंने ऑयल रखने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच मूंगफली। जी फ्रेंड्स, इसे मूंगफली को हमें इस ऑयल में रोस्ट करना है, और तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रैक ना आ जाए और ये हल्के हल्के सी ब्राउनिश ना हो जाए, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा। जिस तरीके से अगर मैं आपको बता रही हूँ आप इसे फ्राई करेंगे, और ये देखिए थोड़ी ही मिनटों में ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और एक क्रैक आ गया है, तो इसका पूरा ही कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नारियल। आप यहाँ पे मार्केट का भी नारियल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस छोटे पीसेस में इसको कट करके इसमें ऐड कर लिया है। बहुत ही लाजवाब चटनी आपकी बनके रेडी होगी। आप इसे की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रोटी के साथ ऐसे ही खा लेंगे। और 4 से 5 यहाँ मैंने लाल मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, उसे भी अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से भून लीजिए इन सब चीज़ को, और इसमें कुछ ऐड करेंगे खड़े मसाले। और यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है तिल, आपके पास जो तिल अवेलेबल हैं। यहाँ मेरे पास ब्राउन तिल थे तो मैंने ब्राउन तिल का यूज़ किया, आपके पास वाइट है तो वाइट डाल दीजिए, लेकिन तिल ज़रूर डालिएगा, तिल का टेस्ट जो आएगा बहुत ही टेस्ट आता है अच्छा, तो तिल ज़रूर डालिए। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 चम्मच सौंफ का टेस्ट, और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है सौंफ, तो सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा। सौंफ के बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 चम्मच भर के जीरा। कुछ खड़े मसाले ही यहाँ पे यूज़ करूँगी, जैसे सौंफ, जीरा, और एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो है साबुत धनिया। का टेस्ट हर चीज़ में बहुत ही बढ़िया आता है, तो इस जानना बिल्कुल ना भूलिएगा, सौंफ, जीरा और धनिया का टेस्ट बहुत ही औसम आएगा इसमें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर कर साबुत धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से
चला लेंगे, यानी हर चीज़ अच्छे से रोस्ट हो जाए। अभी गैस सिम पे ही है, मैंने बंद नहीं करी है, गैस सिम पे कर देनी है, सारा ही प्रोसीजर सिम पे ही रखना है आपको। और बस इस तरीके से चलाते हुए सारे ही मसाले हमारे खड़े मसाले भुन जाएंगे, मिर्ची वगैरह सब कुछ भुन चुकी है। गैस अब बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा चला लेंगे जो कि नीचे से जले नहीं। बस थोड़ी देर चलाने के बाद गैस अब बंद हो चुकी है। अब थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हल्की सी मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अब मैं जार को देख लीजिएगा, नमी ना हो जार में, अच्छा सा सूखा हो और ड्राई हमारा जो मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे सारा। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनके रेडी होगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नारियल के टुकड़े ऐड किए थे जिससे मुझे 2 से 3-4 बार मुझे इसको चलाना पड़ा। अगर इसे आप कद्दूकस करके ऐड करेंगे तो आप जल्दी ही इसको एक बार में ही आपका मिक्सी में पिस जाएगा इसके चंक्स, क्योंकि मुझे इसलिए इसके चंक्स रह गए थे तो इसलिए मुझे 2-3 बार इसको चलाना पड़ा था। तो और बाकी डाल दिया है मैंने इसमें करी लीव्स। अब इसे थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है चाट मसाला। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चाट मसाला का यूज़ किया है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ पे 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक अगर नीट पड़े तो बाद में ऐड कर लीजिएगा, वैसे इतना सफिशेंट है। और इसे पीस के रख लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा एक मिक्सचर आपका रेडी हो गया है, ड्राई चटनी। आप इसे किसी भी पराठे के साथ या पराठे में फिल करके भी या किसी दाल चावल के साथ रख के भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगी क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं है। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देते तो आपकी लिक्विडी चटनी बन के रेडी है, लेकिन यहाँ पे हमने ड्राई चटनी बनाई है काफ़ी लंबे टाइम के स्टोर करने के लिए। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के रेडी है। आप इसे किसी भी जार में भर के काफ़ी टाइम के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 महीने के लिए इसे स्टोर करके रखिए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बनाते हैं अपने उत्तराखंड में पहाड़ी नून, जिसे हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। बस उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका नाम ही कहते हैं नून है, तो उसमें नमक और बाकी और चीज़ें इंग्रेडिएंट मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी वो रेसिपी। तो इसको बनाते समय मुझे उसकी बहुत याद आई कि हाँ वो भी इसी तरीके से बनता है। और इसे मैंने फिल करके रख लिया है एक जार में। बस इसी तरीके से एयर कंटेनर जार में आप इसे फिल करके रख लीजिए, जब मन करे तब इसका यूज़ कीजिए। बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगी। और कड़ी लीव्स हमारे बालों के लिए, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है सबको पता है। तो इस तरीके से इंजॉय कीजिए और अपनी, क्योंकि एक दिन कहते हैं कि बालों के लिए दिन में 1-2 कड़ी लीव्स तो खानी ही चाहिए, तो इस तरीके से हम कितनी सारी कड़ी लीव्स एक साथ खा सकते हैं। तो आप कड़ी लीव्स इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी लाजवाब कड़ी पत्ते की ड्राई चटनी लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग। आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही चटाकेदार ये बन के रेडी होती है। और इसे एक बार मेरी तरीके से एक पराठा बना के देख लेते हैं। और ये बहुत ही टेक्सचर इसका इस तरीके से दरदरा आएगा। और एक लोई ले ली है और इसे आपको इसमें ये मसाला जो है ये फिल करना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका चटपटा सा पराठा बन के रेडी हो जाएगा। आप जितना चाहे इसमें भर लीजिए और इसे कर लेते हैं कवर। बहुत ही लाजवाब सा टाइम चटपटा आपका पराठा। जब भी कुछ खाने का मन ना करे तो इस तरीके से आप बना के इसको रेडी कीजिए, बहुत ही लाजवाब। किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से कितने पराठे खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। तो चलिए इसे सेक लेते हैं, अलटते पलटते हुए इसे सेक लीजिए। और इसे सेक लीजिए देसी घी में या फिर आप ऑयल से, यहाँ मैं देसी घी से सेक रही हूँ। और इस तरीके से आपका बहुत ही चटपटा सा पूरी फिलिंग पूरे पराठे के अंदर फिल थी। और इस देखिए कितना फुला फुला पराठा आपका बन जाएगा। तो चलिए इसे उतार लेते हैं। एक बार इस तरीके से ये चटनी बना के देखिएगा, काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर होगी ये चटनी आपकी। और ये पराठे की फिलिंग जो थी पूरी इस मसाले की, पूरे ही आप इस
के साथ चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पूरी में भर कर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस ड्राई चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए पूरे ही पराठे में ये मसाला कवर्ड है, पूरे पराठे को मसाले ने कर रखा है। और यहाँ इस तरीके से फ्रूट कट करके भी आप इस चटनी को, इस मसाले को इसके ऊपर बुरबुरा सकते हैं। आप इस मसाले को किसी भी फ्रूट के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और टेम्पटिंग लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।